नमस्कार, मैं अमित भोबिया। दोस्तों, जब आप लोगों को मालूम है कि जमीन के अंदर आयरन है, बोरोन है, मैग्नीज है, कॉपर है, सब कुछ है, तो आप ये सब खाद ऊपर से क्यों डालते हो? ऐसी व्यवस्था क्यों नहीं कर देते कि पौधे को अपने आप जमीन में पड़ी ये सब चीजें मिल जाएं? कभी मिट्टी का सैंपल लेना, उसको चेक करवाना, उसके अंदर जिंक भी है, उसके अंदर आयरन भी है, 16 प्रकार के वो सब तत्व है जो किसी पौधे को चाहिए, लेकिन हमने उन तत्वों को रोक रखा है। हम ऐसी व्यवस्था क्यों नहीं करते जैसे हमारे प्राचीन काल में बुजुर्ग किया करते थे कि जमीन जो है उसमें जितनी खेती करोगे, जितनी उसमें ज्यादा खेती करोगे उतनी वो उपजाऊ होगी। लेकिन आज की हालात ये हो चुके हैं केमिकल डाल के कि आप जितनी खेती करते हो जमीन उतनी ज्यादा कमजोर होती जा रही है। आप जो खाद अभी खेत में डाल के आए हो वो खाद लीचों के नीचे चली जाएगी। जो खाद आज आप डाल के आए हो वो पौधे को एक ही सीजन में मिल पाएगी। तो ऐसा क्या किया जाए जैसे जो पौधे हैं उनको रेगुलर न्यूट्रिएंट्स मिलते रहे, जमीन की उर्वरक क्षमता इतनी जबरदस्त हो जाए कि आपको किसी भी प्रकार से कोई भी खाद जो है जमीन के अंदर ना डालनी पड़े। मैं बात कर रहा हूं प्राचीन काल की उस विधि का जिसका नाम है संजीवक बनाने की विधि। तो चलिए पहले मैं आपको बता देता हूं कि संजीवक बनता कैसे है और ये संजीवक बनाने में आपके 10-15 रुपए खर्च होंगे। इतनी महंगी फर्टिलाइजर और खाद ये सब डालने की जरूरत खेत में नहीं है। तो चलिए मेरे साथ। संजीवक बनाने के लिए आप 3 लीटर गोमूत्र लेना है। गोमूत्र जितना पुराना होगा उतना अच्छा होगा। 30 किलो गाय का गोबर लेना है। गोबर जितना ताजा होगा और जितना कम दूध देने वाली गाय का होगा, और इसी के साथ साथ ध्यान रहे कि देसी गाय का होगा, उतना ही अच्छा होगा। 500 ग्राम गुड़ लेना है और 100 लीटर पानी लेना है। इन सब चीजों को एक अच्छे तरीके से मिला देना है। याद रहे कि ये मिश्रण किसी भी प्रकार की धातु में ना डालें। आपको जो मिश्रण डालना है वो या तो प्लास्टिक के टंकी में होना चाहिए या फिर मिट्टी के किसी बर्तन में होना चाहिए। इन चीजों को मिलाकर अच्छे से ऊपर से टाइट बंद करके छाया के अंदर इसे 10 दिन के लिए सड़ने के लिए छोड़ दीजिए। इसके बाद में इसके अंदर सूक्ष्म जीव जो है वो पैदा हो जाएंगे, और उसके बाद में आप अगर पहली बार ये अपने खेत में इस्तेमाल कर रहे हैं तो आपको प्रति एकड़ 1000 लीटर जो है डालना है। आप इसे 100-100 लीटर करके भी डाल सकते हैं और इसे पूरे साल में 500-500 लीटर करके 2 बार में भी डाल सकते हैं। याद रहे कि जब खेत में पानी लगाएं तो खेत के चारों किनारों से इसको खेत के अंदर डालें ताकि इसके अंदर बने हुए सूक्ष्म जीव पूरे खेत में फैलकर मिट्टी को अच्छा बनाना शुरू कर दें। अगर आप दूसरे वर्ष डालते हैं तो आपको 800 लीटर प्रति एकड़ डालना है। तीसरे वर्ष डालते हैं तो 600 लीटर प्रति एकड़ डालना है। इससे आपकी जमीन जो है वो अपनी उर्वरक क्षमता को बहुत तेजी से हासिल कर लेगी। और याद रहे कि आपको 3 साल में एक बार 30 क्विंटल सड़ी गोबर की खाद भी डालनी है ताकि यहाँ पर आए हुए इन जीवों को अपना भोजन भी मिल सके। ये संजीवक आपकी जमीन के अंदर जितने भी तत्व हैं उनको मात्र 3 साल में बहुत तेजी से पूरा कर देता है। पहले वर्ष 1000 लीटर, दूसरे वर्ष 800 लीटर, तीसरे वर्ष 600 लीटर, इस बात का आपको अच्छे से ध्यान रखना है। संजीवक से बने ये जीव जो हैं यही इसी आयरन को खाएंगे, इसी कॉपर को खाएंगे, उसे उस फॉर्म में ले आएंगे जिस फॉर्म के अंदर पौधा वहां से लेगा, वहीं से जिंक को लेगा और उन सब चीजों को वो लेगा, क्योंकि जो ये जीव हमने उसके अंदर छोड़े, ये छोटे छोटे जीव उस भूमि की उर्वरक क्षमता को बढ़ाएंगे। तो कृपया करके आप लोग पूरे खेत में अगर इस्तेमाल ना करें तो भी चलेगा, लेकिन जिस खेत के अंदर आप घर के लिए कोई फसल बोते हैं, चाहे वो सरसों हो, चाहे गेहूं हो, चाहे धान हो, घर पे खाने के लिए बोते हैं, केवल उतने के अंदर तो ये चीज इस्तेमाल कर लो, सेहत बच जाएगी, डॉक्टरों से आप बच जाओगे। खैर दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आप संजीवक विधि के बारे में ज्यादा से ज्यादा लोगों तक लोगों को बताएंगे और इसके लिए आप वीडियो को शेयर करेंगे, उसी के साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। खैर, देखते रहिए ABC इंडिया।